तो हेलो फ्रेंड, ये हमारी 28 जुलाई की क्लास है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा बैच है, ये हमारा 28 जुलाई का ये बैच है। तो अभी आपकी जो हार्डवेयर की क्लास हुई थी, हार्डवेयर तो आपका कंप्लीट हो चुका है, आज आपका सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर तो सभी को आपने रिव्यू दिया ही दिया है। आज हमारी जो क्लास है वो सॉफ्टवेयर की क्लास खत्म हुई है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, मीडियाटेक की फ्लैशिंग सभी लोग कर लेंगे। यस सर। अगर क्वालकॉम की बात करें तो। यस सर। अगर सैमसंग की बात करें तो। यस सर। अगर हम आईफोन की बात करें तो। यस सर। अगर यहाँ पे जो एरर्स थे, ये सारा लाइव बताया गया है कि यहाँ पे बस आपको बोर्ड में बता दिया गया है। दूसरा वर्जन गलत फाइल सिलेक्शन, क्योंकि सही फाइल से भी हम फोन क्या कर सकते हैं, फिर और गलत फाइल भी होगी, गलत वर्जन होगी तो भी उसको हम डेड नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या किया, फोन चालू किया कि नहीं किया? हाँ सर, चालू कर दिया। तो ये सही बता रही है, तो इन्होंने किया था कि किसी और ने किया था? चलिए ठीक है, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, तो अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम है सुतो, वेस्ट बंगाल से आया। आप हमें ये बताइए, इससे पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे? नहीं सर। नहीं करते थे, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, कुछ सीखने के मिला है। आपने सॉफ्टवेयर का काम अगर आपको मीडियाटेक की फ्लैशिंग दे दी जाए, कर लोगे आप? हाँ सर। अनलॉकिंग दे दिया, कर ली जाए? हाँ, तो अगर कोई जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको क्या बोलना चाहेंगे सर? जो फ्रेशर है यहाँ पे आइए सर, बहुत अच्छा से काम सिखाता है सर। आपने खुद कंप्यूटर चलाया कि नहीं चलाया सर? एक भी दिन कभी मैंने भी लैपटॉप छुआ है क्या? सारा कौन प्रैक्टिकल किया है? थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम कहाँ से आप? मैं दिनेश, हरियाणा से आया हूँ। दिनेश, आप कितने सालों से काम कर रहे थे? मैं सर 3 सालों से काम कर रहा हूँ। 3 साल का, और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए सर। मतलब 3 सालों से काम कर रहे थे सर, एक तो सर नॉलेज के बगैर काम करना होता है, एक सर नॉलेज के साथ करना होता है सर। काम तब भी कर रहे थे, लेकिन सर अब जाके करेंगे तो सर एक पर्टिकुलर तरीका पता लग गया, अगर किसी मॉडल में ये दिक्कत है तो इस फाइल से और यहाँ से है। पहले सर फाइल उठाई और मार दी, काम हो गया ठीक है, नहीं तो दे दिया कस्टमर को, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी कुछ नया मिला कि नहीं मिला? बहुत सर नया मिला। तो जो आपको देख रहा है और यहाँ पे क्या बोलना चाहेंगे नए फ्रेशर स्टूडेंट के लिए? नए फ्रेशर और जो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप बताइए? नीलेश। नीलेश, नीलेश जी आप बताइए, आप कितने सालों से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? सॉफ्टवेयर में कम कर रहा था, हार्डवेयर। हार्डवेयर ज्यादा कर रहे थे। अच्छा, हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर सीखने को मिला है यहाँ पे? तो उसके बाद ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आपको MMC पढ़ा दिया गया, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया, तो सॉफ्टवेयर में बताइए क्या सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला? फाइलो का नॉलेज, बाईपास का जी। और अगर हम बात करें जो नए फोन आ रहे हैं या पुराने फोन आ रहे हैं, अगर आपको कोई भी फोन विदाउट डाटा लॉस अगर अनलॉक करना है तो कर पाएंगे? ये आपको प्रैक्टिकल मिला है कि नहीं मिला? कि ऐसा नहीं कि बस बोर्ड में बता दिया गया, प्रैक्टिकल मिला है। जो आपको गुजरात से देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? अगर कुछ भी इस फील्ड में अच्छे से काम करना है तो इसके तरीके से। चलिए थैंक यू सो मच नीरज जी। आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं काफी सारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी हैं, अपना नाम बताइए कहाँ से आप? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से। अच्छा, आप बताइए कितने सालों से पहले काम कर रहे थे आप? सर मैं फ्रेशर था, काम नहीं करता। आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया था सॉफ्टवेयर में। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इन्होंने हमसे एक बार बोला था कि क्या मैं सॉफ्टवेयर कर पाऊंगा, क्या आपने बोला था कि नहीं बोला था? तो पहले दिन हमने आपसे कंप्यूटर चलवाया था सॉफ्टवेयर पूरा, तो कैसा रहा आपका ओवरऑल? अभी आपने सीखने को मिला कि नहीं मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने लाइव काम किया है या नहीं किया? यस सर, मैंने लाइव खुद ही किया। और जो आपके साथ जो फ्रेशर है उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? जो फ्रेशर बिल्कुल भी स्टूडेंट है, जो फ्रेशर आपको देख रहे हैं कि आप भी बिल्कुल फ्रेशर थे, तो क्या बोलना चाहेंगे कि सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? जो भी यहाँ पर काम बताया जाता है, या सॉफ्टवेयर का हो या हार्डवेयर हो, बहुत ही डीपली तरीके से और अच्छे तरीके से सारे फाइलों का नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है, और जो भी यहाँ सीखना चाहते हैं वो इसे टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें। चलिए थैंक यू सो मच। और हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से आप? मेरा नाम जयदीप बोल रहा हूँ, मैं आसाम से। आप आसाम से, तो आप बताइए इससे पहले आप काम करते थे सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में काम करते।
आपने सॉफ्टवेयर में काम नहीं किया है, अगर आपसे कुछ पूछा जाए, फाइलों की डिटेलिंग पूछा जाए या फिर आपको एक फोन दे दिया जाए लाइव, तो उसे आप अनलॉक कर लोगे? यहाँ पे कैसा लगा आप, आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला? सर बहुत कुछ मिला सर, आप मैं कोई भी फोन देगा अनलॉक करने के लिए उसको भी मैंने विदाउट डाटा लॉस भी कर सकते, विद डाटा लॉस और विदाउट डाटा लॉस भी आप अनलॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। अभी जो आप प्रोफेसर जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे उस प्रोफेसर स्टूडेंट? आसाम से कोई सीखना आना चाहिए यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डीप भी नॉलेज से सीखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी जितने स्टूडेंट यहाँ पे रिव्यू दे रहे हैं क्या वो फेक रिव्यू तो नहीं है? यहाँ पे जो भी आपको सिखा गया प्रैक्टिकल दिया गया कि नहीं दिया गया सर? कुछ स्टूडेंट ने किया है। चलिए थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं आप? यूपी से हूँ मैं, मोहम्मद। आप मोहम्मद जी, आप ये हमें ये बताइए कि आपने पहले आप सॉफ्टवेयर पे काम करते थे? इतना नहीं था, हार्डवेयर करता था। हार्डवेयर आप करते थे, तो अभी जितना भी आप करते थे आपको कुछ नया मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला है, पहले हम 8-10 फाइलें होती थी सर, जी सारी ट्राई करते थे। अब हमें ऐसा हुआ कि एक फाइल चढ़ाएंगे सर पूरी, मतलब उस 8 फाइलों में से एक फाइल कौन सी डाउनलोड किया आपने? प्रॉपर आपने ऐसे नॉलेज दिया सर, प्रॉपर वही डाउनलोड है। अगर आप मुझे ये बात करें कि जो डेड रिक्स होता है, IMEI का जो कंसेप्ट होता है, क्या आपने लाइव देखा IMEI क्या आपने लॉस हुआ है क्या? नहीं सर। और क्या फोन कोई डेड हुआ है क्या? नहीं सर, ना ही डाटा लॉस हुआ है, ना ही ईएमआई लॉस हुआ है, ना कि डाटा लॉस। आपको जो देख रहे हैं अगर यूपी से तो क्या बोलना चाहेंगे सर? बस प्रॉपर नॉलेज चाहिए ना, तो सिर्फ चलिए थैंक यू सर, हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर। चलिए तो अभी आपका MMC भी चलने वाला है, तो अब हम यहाँ पे खड़ा करते हैं, आप खड़े हो जाइए। अपना नाम और कहाँ से हैं आप? राजस्थान से हैं, तो इसे बताइए आप इससे पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? नहीं करते थे, तो अभी आपको कैसा लग रहा है, आपने सीखा कि नहीं सीखा? सीखा है। अगर आपको फाइलिंग या अनलॉकिंग या फिर UMT का कोई सेटअप आपको चलाया जाए तो आप चला पाओगे? आपको यहाँ पे सारा चीज जो प्रैक्टिकल मिला है कि नहीं मिला? यहाँ पे टीचरों का नॉलेज कैसा है? यहाँ पे आपको जो भी समझाया गया समझ में इजी वे में आया, हार्ड लग रहा था? अच्छा, कितने स्टेप है सॉफ्टवेयर के? पांच। बहुत ज्यादा टफ है क्या? नहीं, नहीं। तो आपको ओवरऑल जो आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप जो देख रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो उनको बोलना चाहूंगा कि अगर फ्रेशर हैं तो मतलब कैसे टेलीकॉम करें, कैसे बताया जाता है। आपने जो सोच के आया था कि मैं सॉफ्टवेयर सीख पाऊंगा, क्या आप एक्चुअल में सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? चलिए थैंक यू सो मच, आप खड़े हो जाइए। अपना नाम और कहाँ से आप? जोधपुर राजस्थान। राजस्थान से आप भी हैं क्या? साथ में आए क्या आप लोग? नहीं सर। नहीं, आप हमें ये बताइए कि आप इससे पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे? हाँ सर, करते। कितने सालों से कर रहे थे? करीब 5 साल। 5 साल से आप कर रहे हो, आप 5 साल का एक्सपीरियंस और ये 4 दिन का एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, यहाँ सिखाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। पहले बस गधों की तरह काम कर रहे थे, कोई भी फाइल नहीं और कर दी, अभी इस पार्ट घोड़ों की तरह कर रहे हैं, सब प्रॉपर नॉलेज है फाइलों की, हर चीज कौन सा टूल यूज कर लेना क्या है, जी बहुत अच्छा। ओवरऑल जो आपके साथ यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट भी हैं और कुछ काम भी कर रहे हैं, तो जो फ्रेशर स्टूडेंट आपको क्या लगता है वो सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? सीख पाएंगे सर, बहुत इजी वे में सीख पाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको दिक्कत नहीं है, अगर कोई ज्यादा टफ तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अच्छा, ये जो यहाँ पे काम सिखाया जा रहा है, क्या यहाँ पे हम खुद करते हैं कि स्टूडेंट करते हैं? सारे हमसे स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, और प्लस जो फ्रेशर है उनसे, उनको तो बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी चीज, हाँ, जो आपने बोला क्योंकि हमारे पास जो भी स्टूडेंट ने बोला कि मुझे नहीं आता, तो हमने न्यू स्टूडेंट को बताया, ऐसा तो नहीं कि जिनको आता था उनसे काम कराया, जिनसे नहीं आता था उनसे सारा सॉफ्टवेयर कराया कि नहीं कराया? तो अभी जो आपको देख रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे जो फ्रेशर? यही कहूंगा राजस्थान से चाहे ऑल इंडिया से जो भी आए, ऐसे टेलीकॉम को ही ज्वाइन करें। चलिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और कहाँ से आप? नरेंद्र बैरागी, खंडवा एयरपोर्ट से। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप भी बताइए, ओवरऑल आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर भी नहीं किया, नहीं किया था। अभी आपको कैसा लग रहा है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बढ़िया। जो आपने सोच के आया था ऐसे टेलीकॉम, जो आपने ज्वाइन किया, क्या एक्चुअल में वो आपको मिला कि नहीं मिला? मिला आपको। तो जो आपको देख रहा है फ्रेशर स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे? सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉपर वे में काम करना चाहता है वो। चलिए लास्ट में थैंक यू सो मच, लास्ट में स्टूडेंट मैं और इनसे पूछ लेता हूँ कि आप बताइए अपना नाम और कहाँ से है? मोहम्मद इब्राहिम, बैंगलोर सर। आप बैंगलोर से हैं, बैंगलोर में भी काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप हमें ये बताइए आप इससे पहले काम करते थे ओवरऑल? जी सर, करता था थोड़ा आप करते थे, तो आप हमें ये बताइए कि अभी जो आप जो करते थे वो सही वे में करते थे कि गलत वे में करते थे? पहले तो गलत वे में करता था। अगर आपको कोई भी चीज अनलॉकिंग दे दी जाए, चाहे वो Xiaomi हो, चाहे वो कोई सा भी फोन हो, Samsung का फोन हो, यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल लाइव दिखा गया कि नहीं दिखा गया? प्रैक्टिकल लाइव दिखा गया। आपने कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो क्या बोलना चाहेंगे जो आपको फ्रेशर स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे? सर, फ्रेशर हो तो डेफिनेटली सर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए।
चलिए थैंक यू। अब मैं लास्ट में आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है क्या वो फेक रिव्यू तो नहीं है? आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला? चलिए तो लास्ट में एक वही बात जो हमेशा बोलते हैं वही बात एक बार फिर से बोलेंगे, इंडिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन?